थोड़ी देर में सुपर फास्ट ट्रेन आएगी, उसके आगे कूदोगे तो सही से मर पाओगे। कौन हो तुम? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? सवाल ये नहीं है कि मैं कौन हूं, सवाल ये है तुम कौन हो? मैं कुछ नहीं हूं। एक टांग ट्रैक के उस तरफ, एक इस तरफ, धड़ ट्रेन के बीच में फंसा हुआ, मुंडी हो सकता है कुत्ते ले जाएं। ट्रेन रुकेगी, टीटी आएगा, भीड़ आएगी और फिर थोड़ी देर में ट्रेन चल पड़ेगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास कर रहा हूं, मैं तो वो सब कह रहा हूं जो तुम्हारा ट्रेन के आगे कूदने के बाद में होगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? दोस्त, अब इस सुनसान जगह पर ये चिट्ठी लिखकर तुम लूडो खेलने तो नहीं आए होंगे? लेकिन ऐसा हुआ क्या जो तुम मरने के लिए मजबूर हो गए? तुम नहीं समझोगे। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा। रास्ते, रास्ते हमेशा होते हैं दोस्त, बस हमें ही उन तक पहुंचना होता है। आखिर कैसे? घर वालों को लगता है मैं नकार हूं, दोस्त लोग पहले आगे बढ़ चुके हैं, और रिश्तेदार, उनके लिए तो शब्द नहीं है मेरे पास। मेरा होना या ना होना ना के बराबर। क्या सोच रहे हो? बस यही कि तुम्हारे मरने के बाद में क्या होगा? मेरे मरने के बाद, उन्हें मेरी अहमियत का पता चलेगा और फिर वो मुझे याद करके रोएंगे। हंस क्यों रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारी टूटी फूटी लाश को जला दिया जाएगा। तीसरे दिन बैठक होगी, 6 महीने के अंदर अंदर तुम भुला दिए जाओगे। साल में सिर्फ एक बार तुम्हारी तस्वीर साफ होगी, वो भी अगर किसी को याद आ गया तो। बस यही सब कुछ होगा। तो फिर क्या करूं मैं? अब गाड़ी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। देखो दोस्त, जिंदगी ये नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। जिंदगी ये है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि वो लोग सही हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते, तो मौत को चुनो और उन लोगों को सही साबित कर दो। और तुम्हें लगता है कि तुम सही हो और सब कुछ बदल सकते हो, तो जिंदगी को चुनो और खुद को सही साबित करो। ट्रेन निकल पड़ी है, फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। मैं वहीं खड़ा हूं ताकि अगर तुम मर गए तो तुम्हारी चिट्ठी
तुम्हारे घर वालों को दिखा सकूं। याद रखना दोस्त, रास्ते हमेशा होते हैं। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुझको पैदा करके हमने गलती कर दी। रास्ते हमेशा होते हैं दोस्त। दोस्त के साथ है एक कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मुकाम पर ले आती है जहां से वो रोज खुद को खत्म करने के बारे में सोचने लगता है, और एक दिन खत्म होने के लिए उस राह पर निकल पड़ता है। ऐसे नाजुक समय में उसे आवाज देना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि वो लौट सके खुद के पास।